नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित माँ चंडी देवी मंदिर के बारे में। चंडी देवी मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। इसके साथ साथ ये मंदिर हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थ में से एक है। चंडी देवी मंदिर सिद्धपीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिस कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर देवी के दरबार में आते हैं। चंडी देवी हरिद्वार में स्थित तीन पीठों में से एक हैं। अन्य दो पीठ मनसा देवी और माँ माया देवी मंदिर हैं। कहते हैं कि चंडी देवी मंदिर का निर्माण सन 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने कराया था, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। इस मंदिर को नील पर्वत के तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, जो हरिद्वार के भीतर स्थित पांच तीर्थों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों ने स्वर्ग के देवता इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। देवताओं द्वारा गहरी प्रार्थना के बाद पार्वती ने चंडी का रूप धारण कर राक्षसों के सामने प्रकट हुई। उस असाधारण महिला की सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई। इनकार किए जाने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुख चंडा और मुंडा को उन्हें मारने के लिए भेजा, लेकिन वे देवी चामुंडा द्वारा मारे गए। फिर शुंभ और निशुंभ ने मिलकर चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी के हाथों वो दोनों राक्षस भी मारे गए, जिसके बाद चंडिका ने नील पर्वत के ऊपर थोड़ी देर आराम किया था और बाद में इसी स्थान पर मंदिर बनाया गया। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला में स्थित दो चोटियों को शुंभ और निशुंभ कहा जाता है। कहते हैं कि चंडी देवी मंदिर की विशेषता ही उसे खास बनाती है, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु ऊंचे पर्वत पर स्थित इस मंदिर को देखने आते हैं। चंडी देवी को काली देवी की तरह माना व पूजा जाता है और प्रायः इनके उग्र रूप की पूजा की जाती है। अश्विन और चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र में चंडी पूजा विशेष समारोह के द्वारा मनाई जाती है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु चंडी देवी मंदिर में देवी का आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आते हैं। चंडी देवी मंदिर के पास माता अंजना का मंदिर भी है और चंडी देवी मंदिर में आने वाले सभी भक्त इस मंदिर में भी ज़रूर आते हैं। मनसा और चंडी देवी पार्वती के दो रूप हमेशा एक दूसरे के करीब रहती हैं। चूँकि चंडी देवी का मंदिर मन्नतें पूरी करने के लिए जाना जाता है, यही कारण है कि अन्य मंदिरों की अपेक्षा इस मंदिर में भारी भीड़ जुटती है। पर्वत पर स्थित यह मंदिर अपनी लोकप्रियता के साथ ही पहाड़ के मनोरम दृश्य के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।